एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्विट करने के लिए दुआ कराई गई। तफसीलात के मुताबिक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत की जानिब से लाया गया नया कानून शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एहतजाज जारी है। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में वाक़ मार्स हाई स्कूल के तुलबा व तालिबा व असातिज़ा ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के इस सियाह कानून को रद्द करने का मुतालबा किया और स्टूडेंट से दुआ भी कराई गई। इसमें मार्स हाई स्कूल के तुलबा ने नेशनल एंथम पढ़कर प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब के लाए गए कानून के बारे में बताया गया। असातिज़ा ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि ये काला कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो एक दूसरे मज़हब को ऊंच नीच दिखाता है, लिहाजा ऐसे कानून को रद्द कर दे। इस प्रोग्राम के ज़ेर निगरानी मोहम्मद रिजवान कादरी प्रेसिडेंट निदाय इस्लाम की सरपरस्ती में हुआ, जिसमें प्रिंसिपल मोहम्मद अलीमुद्दीन मखदूम खान अफान कादरी और तुलबा ने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं एच न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। और इस्लाम को फैलाया मेरे मौला तेरी बाबा ने तेरे नाम का सियाह का मौला जन के बंदे मौला आप उठाए हैं मेरे मौला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्ला हकीरा है मेरे मौला, हमने सुना है कि जो दुआ मांगता है अल्लाह उसके सुनता है और जो दुआ नहीं मांगते, हमने सुना है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दुआ नहीं मांगते अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं। मेरे मौला तेरी भी शान कितनी अजीम है मेरे मौला, दुनिया वालों से हम मांगो तो मेरे मौला दुनिया वाले हमें निगाहों से गिरा देते हैं, दुनिया वाले हमसे दूरी अख्तियार करते हैं और दुनिया वालों से मांगो तो मौला दुनिया वाले हमें जलील व ख्वार करते हैं। राजा तू कितनी शान वाला है, तू तो खुश होता है, बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तू सरकार है, तू वफा करने वाला है, अपने बंदों के आलमीन हाथों को उठाए बैठे हैं मेरे मौला। मेरे मौला हमारे गुनाह हमारे गुनाहों का हमारी नफरतों का नतीजा है मेरे मौला की बारगाह में जो मुझी अपना गुनाह मौला कबूल कर लेता है, फिर मेरे मौला उसे माफ कर देता है और आइंदा तकिया करते हैं कि मेरे मौला हर गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। शैतान मौला हमें गुनाहों में डाल देता, नेक बना दे मौला, हमको नेक बना दे, हमारी खताओं को माफ़ कर दे, हमारी खताओं को माफ़ कर दे। देख मेरे मौला वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह क्विट एनआरसी एंड सीसीए मूवमेंट का जो एक प्रोग्राम आज यहाँ पे दुआया प्रोग्राम मार्स हाई स्कूल में बहादुरपुर में मुनक़िद हुआ, जिसमें मासूम बच्चों ने दुआ की, जिसकी निगरानी जनाब मोहम्मद रिजवान कादरी प्रेसिडेंट निदाए इस्लाम ने की। हमारा मकसद इन मासूम बच्चों की दुआओं के तहत मुल्क में फैली हुई बेचैनी को दूर करना है और हम ये चाहते हैं कि इस्लाम हमारा जो मज़हब हमें सिखाता है कि अमन से प्रोटेस्ट करना और हमारे हक़ को जताना और हमारे हक़ को हासिल करना, तो हम इन मासूम बच्चों के द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हम मानते हैं हर हिंदुस्तान का शहरी मानता है, ना ही मुसलमान हर मज़हब वाला मानता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल को क्विट किया जाए और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो काफ़ी अच्छा पहले से बना हुआ है उसी पे अमल किया जाए। हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो सेंसेक्स होता है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, सेंसेक्स किया जाए, एनपीआर किया जाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट और द रिलीजन। यही हमारा एक डिमांड है कि कास्ट और रिलीजन के ऊपर कोई सेंसेक्स ना हो, कोई एनपीआर ना हो, ना कोई अमेंडमेंट हो, क्योंकि हमारा संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिलीजन के बेस पर नहीं बना, ना ही कोई मज़हब के बेस पर बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली सिर्फ सिटीज़न के बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए उनके कैसा बेनिफिट पहुँचाया जाए, कंट्री को कैसा डेवलप किया
जाए, इसके मद्देनज़र रखते हुए इसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और हम यकीन रखते हैं इस बात पे और हमें गर्व है बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी तमाम टीम पे कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देकर गए हैं। वह कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और एक सिंपल सा छोटा सा यहाँ पे दुआया प्रोग्राम रखा गया था, ये चेना प्रोग्राम्स हम इंशाल्लाह हर स्कूल में रखने का इरादा करते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।